हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर्न केमिस्ट्री की पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वुडवर्ड रिएक्शन की, जो CSIR नेट एंड गेट और ITGM के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है वुडवर्ड रिएक्शन क्या बोलता है। व्हेन एनी लिखिन रिएक्ट्स विथ सिल्वर एसीटेट आर सिल्वर बेंजोएट फॉलोड बाय रिएक्शन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स गिव्स द सिस प्रोडक्ट व्हिच आफ्टर बेस हाइड्रोलिसिस गिव ए सिस डायोल। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये कह रहा है कि दोस्तों, अगर कोई एल्कीन है वो क्या करता है, सिल्वर एसीटेट या सिल्वर बेंजोएट से क्या करता है, रिएक्शन करता है। ठीक है, और विथ है जो है वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यह क्या करेगा, सिस प्रोडक्ट देगा, और जिसका जो है अगर हम बेस हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो वह क्या होगा, सिस डायोल में चेंज हो जाएगा। तो हम एक रिएक्शन के मेथड से देखेंगे कि जो है इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म वो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आयोडीन है, तो यह क्या करेगा, पहले आयोडीन कह सकते हैं अटैक करेगा आयोडीन पे क्या होगा, अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अटैक करेगा या बाहर निकलेगा, और फिर यहाँ से अटैक करके क्या बना लेगा दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे आई हो जाएगा और फिर आई हो जाएगा। अगर हम इसको क्या करते हैं, यह भी आई होगा। अगर हम इसे क्या करते हैं, एबव द प्लेन सपोज कर रहे हैं कि अगर यह एल्कीन जो है वो विद इन द प्लेन है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अगर ये आउट यह आयोडीनियम जो कैटायन का फॉर्मेशन होगा, या तो एबव द प्लेन हम कर सकते हैं या तो बिलो द प्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एबव द प्लेन सपोज कर रहे हैं, तो यह एम ई जो होगा प्लेन में होगा, या एम ई भी क्या हो जाएगा प्लेन में, और एच क्या हो जाएगा प्लेन में, यह भी एच क्या हो जाएगा प्लेन में हो जाएगा। अब उसके बाद जो है यह बन गया आयोडीनियम कैटायन बोलते हैं इसे। अब उसके बाद जो है यहाँ पे मान लीजिए बेन कह सकते हैं कि सिल्वर बेन जो एड दिया हुआ है, यानी C6 है, EH5 है, C11O है, वो निगेटिव है या न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब यह क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका यह जो है अबव द प्लेन है, इसका मतलब जो इसका एंटी बॉन्डिंग होगा वो बिलो द प्लेन होगा। तो ठीक है, तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा दोस्तों वह क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा, जिसमें यह इलेक्ट्रॉन डालेगा और यह क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होने के बाद देखते हैं दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे एम ई होगा, और यह जो होगा ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने के बाद क्या होगा, एबव द प्लेन ही वो रहेगा आई, तो यह एबव द प्लेन हो जाएगा, और यह जो होगा वो बिलो द प्लेन से अटैक करेगा। तो हम इस टाइप से दिखा सकते हैं कि ऑक्सीजन है, और उसके बाद डबल बॉन्ड वो दिखा सकते हैं, और एम ई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एम ई है और हाइड्रोजन है, तो उसे शो करें या ना करें इसे रहने दीजिए, विद इन द प्लेन हम मान लेंगे। अब उसके बाद बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा वो क्या होगा, अटैक करेगा यहाँ पे, और यह क्या हो जाएगा, एलिमिनेट कर जाएगा। अब एलिमिनेट करने के बाद क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका भी एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा, और यह लोन पेयर क्या करेगा, उसके एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन डालेगा तो आयोडीन क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन लिखते हैं तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बिलो द प्लेन ऑक्सीजन बनेगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे क्या है, एम ई है, एम ई कर देंगे, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और उसके बाद देख रहे हैं कि यह क्या, एम ई हो गया और ये एम ई हो जाएगा। अब उसके बाद जो है वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रो यानी वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा, हाइड्रोलिसिस करेगा, तो इसका जो लोन पेयर होगा यहाँ पे अटैक करेगा, और यह ब्रेक हो जाएगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एम ई, और यहाँ पे होगा एम ई, और यह देख रहे हैं बिलो द प्लेन है, तो इसको हम बिलो द प्लेन ही रखते हैं, यानी वो हो जाएगा, और यह भी क्या हो जाएगा, वो होगा, एंड क्या होगा, एम ई हो जाएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे वो हो जाएगा, और एच टू होगा, जो क्या होगा, प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा और ओ एच हो जाएगा। अब इसका जो है ओ एच हो जाएगा, या फिर ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे एच है और इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा, और फिर यह क्या होगा, एलिमिनेट कर जाएगा, यानी एच प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। अब निकलने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एम ई है, यहाँ पे दोस्तों एम ई है, और यहाँ पे बिलो द प्लेन है वो है, और यहाँ पे एम ई हो गया, और उसके बाद बात करते हैं ओ एच हो गया बच्चा। ठीक है, तो ओ एच का जो लोन पेयर होगा यह वापस आएगा, और यह बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। अब ब्रेक करने के बाद क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों एम ई होगा, यहाँ जो है एम ई है,
और यह बॉन्ड अगर ब्रेक, या तो ये बॉन्ड भी ब्रेक कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे वो नेगेटिव हो जाएगा जो प्रोटॉन लेकर के क्या करेगा, OH फॉर्म कर लेगा, यानी अल्कोहल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं वो है, यह बॉन्ड यहाँ पे आया है, इसका मतलब सी डबल बॉन्ड वो है, तो सी डबल बॉन्ड वो कर सकते हैं। और उसके बाद यमी है। अब इसके बाद दोस्तों बोला जाता है कि क्या है, बेस हाइड्रोलिसिस करना, बेस हाइड्रोलिसिस अगर कर दिया जाए इसका तो क्या होगा, सिस डायोल देगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लें, तो मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, तो क्या अगर हाइड्रोक्सिल आयन देगा, OH निगेटिव आएगा और इस पर अटैक करेगा, यहाँ पे वो निगेटिव आ जाएगा। अब वो निगेटिव आने के बाद क्या हो जाएगा, वह वापस जाएगा और हो जाएगा यमी, और यहाँ पे हो जाएगा यमी, और यहाँ पे देख रहे हैं वो है यच है, और यहाँ पे देखेंगे क्या वो हो जाएगा, और जब निगेटिव चार्ज जाएगा तो यह प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं सिस डायोल मिल गया हमें, सिस डायोल, ठीक है। और इसका जो साइड प्रोडक्ट होगा, हम ये कह सकते हैं कि यमी है एंड सी डबल बॉन्ड वो हो जाएगा एंड OH, ये साइड प्रोडक्ट हो जाएगा और ये मेन प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों वुडवर्ड रिएक्शंस को हम देखते हैं, आगे जो है बहुत से रिएक्शंस देखते रहेंगे इसे। और आप फिर भी आपके मन में कोई रिएक्शंस है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।